कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का वीडियो एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है, बहुत ही अच्छे डीआईवाई है जो आपके स्किन टोन को काफी ज्यादा क्लीन हाइड्रेट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज की चीज को कोई भी यूज कर सकता है, आपके घर के गमलों में भी लगी हुई है और आप बाहर से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपके घर में लगी हुई है तो बहुत बढ़िया है, हेल्दी है, फ्रेश बनाए फ्रेश यूज करें, और इसकी मदद से आपकी स्किन बहुत गोरी निखरी हो सकती है। दोस्तों अगर आप टीनेजर हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है एक्ने पिंपल्स की, क्योंकि हार्मोन्स का जो बैलेंस है वो बिगड़ता रहता है। अगर आप उसके थोड़ी सी आगे एज में जाते हैं तो आपको स्कार्स का प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी आगे जाते हैं आप मदर बन जाती हैं, मामा बन जाते हैं, उसके बाद आपको छाइयों का झुर्रियों का जो प्रॉब्लम है वो आना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपकी स्किन ढीली बननी शुरू हो जाती है और आपकी स्किन बहुत मुरझा जाती है, ग्लो खत्म हो जाता है, कहते हैं सोच से आपने शुरू हो जाते हैं। सो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारी स्किन जो है झुर्रियां रिंकल्स फाइन लाइंस इनसे भर जाती है और हमारी स्किन के ऊपर आ जाता है बुढ़ापा, यानी कि एक जो एज का साइन है, एज के साइंस है, एज इफेक्ट है, वो चेहरे पे नजर आना शुरू हो जाता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को किस तरह से खत्म कर सकते हैं वो भी एक एक चीज से, वो है दोस्तों एलोवेरा जेल। ये वाओ की एलोवेरा जेल है, आपके घर में अगर प्लांट है, घर में लगा हुआ है, आप उसे परचेज कीजिए। उसकी मदद से भी आप अपनी स्किन को क्लीन हाइड्रेट कर सकते हैं। एलोवेरा जेल सभी सेम होती हैं, इट्स ओके आप जो भी एलोवेरा जेल यूज कर रहे हैं, फ्रेश यूज कर रहे हैं, मार्केट का यूज कर रहे हैं, वाओ का यूज कर रहे हैं, तो आपने किस तरह से एक्चुअली में उसे इस्तेमाल करना है जिससे जो टीनेजर है उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए और उसके साथ साथ जो बड़े छोटे मिडल सबकी प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए, ताकि झुर्रियां रिंकल सब एक मिनट में खत्म हो जाए। तो कैसे हमने करना है, जिसको जो जो प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को इस तरह से देखते रहिए, अलग अलग स्टेप बताऊंगी, अलग अलग स्टेप की मदद से आपकी स्किन हो जाएगी बहुत क्लीन। और सबके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, मुझे ड्राइनेस का प्रॉब्लम है, मुझे एक्ने का प्रॉब्लम है, मुझे छाइयां हैं, मुझे झुर्रियां हैं, मुझे फाइन लाइंस है, मेरी स्किन ढीली है, तो आज के वीडियो में सभी कंबाइन है। जिसका जो जो टॉपिक होगा वो अपनी अपने टॉपिक को निकाल लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं डीआईवाई कैसे हमने अपनी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ एंड हाइड्रेट करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपसे स्किप ना हो पाए। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा एक्ने पिंपल है तो सबसे पहले आप एक स्पून के में थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले लीजिए। एलोवेरा जेल के अंदर सभी एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो स्किन के सभी एक्ने पिंपल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। आपके जितनी मर्जी हो, चाहे आप 10 साल के हैं या फिर 80 साल की, तब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आपने 1/4 चम्मच जो है हल्दी का डालना है। एलोवेरा जेल एंड हल्दी दोनों को अच्छी तरह से स्पून में ही मिक्स कर लीजिए और इसे आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसका एक थिक सा पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को आपने अपने चेहरे के ऊपर लगाना है, जहां जहां पर भी आपकी स्किन के ऊपर एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं वहां वहां पर इसे लगा लीजिए। आप देखेंगे अगर आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन से एक्ने पिंपल्स बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। आपने रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल करना है, पूरी रात इसे अपने चेहरे पर लगा के रखना है। आप देखेंगे स्किन कितनी हाइड्रेट हो जाएगी। और एक खास बात इस रेमेडी की ये है कि आपकी स्किन पर कभी भी दाग नहीं पड़ेगा। तो ये रेमेडी बनके रेडी हो चुकी है। स्पून के अंदर इस रेमेडी को आपने बनाना है, ताकि आप पूरे बॉल के अंदर लगाओगे, यूज करोगे तो सारे बॉल के अंदर ये रेमेडी लग जाएगी। तो बेटर है कि स्पून में ही इसे लगाएं, ताकि सारा प्रोडक्ट एक जगह पे आराम से इकट्ठा हो जाए। ये देखिए इस तरह से, तो आप इस तरह से इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर रोज रात को लगाइए, एक हफ्ता इसका लगातार जरूर यूज करें। वैसे तो आपको हर रोज लगाते रहेंगे तो एक दो दिन में आपको फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आप 1 वीक कंटिन्यू यूज करोगे तो ना तो दाग पड़ेगा और ना ही उस जगह पे कभी पिंपल होगा। तो जरूर ट्राई करें अगर ये नुस्खा पसंद आया है। दूसरा नुस्खा है दोस्तों, अगर आपकी स्किन के ऊपर बढ़ती उम्र के साथ साथ ग्लो चला गया है, आपकी स्किन काफी ज्यादा ड्राई सी रहने लगी है, रौनक चेहरे पे बिल्कुल नहीं है, चिकेरिया बहुत ही खुरदला सा रहने लग गया है, तो सबसे पहले आप कोई भी एलोवेरा जेल फ्रेश है या फिर दूसरा है वो ले लीजिए। मार्केट का भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए उसके अंदर उसके जो इंग्रेडिएंट है वो जरूर पढ़ा कीजिए, ताकि वो उनके अंदर कोई केमिकल ना हो। अब मैं इसके अंदर यूज कर रही हूं पपीते का जेल। ये बहुत ही बढ़िया होता है, पपीते के जेल से स्किन के ऊपर बहुत अच्छा खासा ग्लो आता है। तो ये मैं उतनी ही क्वांटिटी में ले रही हूं जितनी क्वांटिटी मैंने एलोवेरा जेल लिया है। तो अब मैं दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लूंगी, ताकि मेरी स्किन के ऊपर कोई भी दाग धब्बा भी ना पड़े और उसके साथ साथ स्किन एकदम हाइड्रेट हो, जो मेरी स्किन के ऊपर ड्राइनेस आ गई है वो भी दूर हो जाए और स्किन बहुत ही प्यारी सी हो जाए, रौनक सी रहे, फ्रेश सी रहे,
स्किन पे काफी अच्छा खासा निखार आ जाए। अगर कंटिन्यू एक हफ्ता आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो स्किन के ऊपर आप फर्क देख सकते हैं, क्योंकि इससे स्किन के ऊपर जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, स्किन के ओपन पोर्स में ये रेमेडी जाती है और स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। एलोवेरा जेल बहुत टाइम से यूज़ करते हैं हम, एलोवेरा जेल जो होती है उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म करने में एलोवेरा जेल हमारी बहुत मदद करती है। आप देख ही चुके हैं जो मैं DIY आपको बता रही हूँ वो सिर्फ आज एलोवेरा जेल की मदद से ही बता रही हूँ, जिसे हम स्किन को लाइटन भी कर सकते हैं, स्किन के ऊपर अच्छा खासा निखार भी पा सकते हैं। तो ये रेमेडी जो है वो बनके रेडी हो चुकी है, हमने इसके अंदर दोनों जेल मिलाई हैं, पपीते का जेल और इसके साथ साथ एलोवेरा जेल, दोनों को अगर आप हर रोज रात को सोने से पहले स्किन के ऊपर धीरे धीरे करके मसाज करेंगे और रात को लगाकर छोड़ देंगे, हर रोज ऐसा करने से चेक एरिया बहुत ग्लोइंग हो जाएगा, स्किन के ऊपर जो थोड़ी बहुत आपके स्किन के ऊपर काफी ज्यादा या ड्राइनेस रह गई है, स्किन खुरदली सी हो गई है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, स्किन के ऊपर ग्लो शाइन आप देख पाएंगे और स्किन के ऊपर कभी भी ड्राइनेस कभी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर स्किन के ऊपर ड्राइनेस रहती है तो स्किन काफी ज्यादा खराब होती है और बढ़ती उम्र के असर भी स्किन के ऊपर नजर आने लग जाते हैं, एजिंग साइन जो है वो स्किन के ऊपर नजर आएंगे। तो जरूर ट्राई करके देखिएगा इस रेमेडी को, आपने रात को सोने से पहले अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। अब दोस्तों अगला रेमेडी जो है वो है झुर्रियों के लिए, रिंकल्स के लिए, फाइन लाइंस के लिए। दोस्तों बढ़ती उम्र का असर अगर आपके चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है तो आपने क्या करना है, ये थोड़ी सी एलोवेरा जेल लेनी है और इसके अंदर आपने कुछ बूंदें डालनी है एसेंशियल ऑयल की। इस एसेंशियल ऑयल की ये है स्वीट बासिल एसेंशियल ऑयल, जो स्किन के एक्ने पिंपल्स को भी दूर करता है, स्किन पे ग्लो भी लेकर आता है, इसके अलावा झुर्रियों को फाइन लाइंस को दूर करने में बहुत बहुत आरामदायक है। तो इसकी दो बूंदे आपने इसके अंदर डालनी है, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है, सिर्फ अपनी उंगली से ही इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला लेना है और अपने स्किन पे अप्लाई करना है। आपने 2 से 3 मिनट तक अपनी स्किन की मसाज करनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एलोवेरा जेल जो है वो काफी पहले से थिक हो गई है और उसका कलर जो है वो भी चेंज हो गया है, पहले ट्रांसपेरेंट था लेकिन इसके अंदर एसेंशियल ऑयल डालने के बाद इसका जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और पहले से काफी थिक भी हो गई है। इस जेली से आपने अपनी स्किन की मसाज करनी है, पूरी रात इसे लगा के छोड़ना है और इस जेल की मदद से आपकी स्किन के स्कार्स, आपकी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस पड़ी हैं, एजिंग साइन है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, ट्राई करके जरूर देखिएगा। जो रेमेडीज दोस्तों मैंने एलोवेरा जेल से आपको बना के दिखाई हैं, उससे ना कि आपकी प्रॉब्लम जो स्किन की है वो खत्म होंगी, बल्कि उसकी मदद से आपका स्किन टोन भी काफी ज्यादा निखर जाएगा। तो ये एलोवेरा जेल जो मैं यूज करती हूँ, मैं गुड वाइव्स और वाव का दोनों का जो एलोवेरा जेल है वो यूज करती हूँ। ये वाव स्किन साइंस एलोवेरा जेल है और जो दूसरा है वो गुड वाइव्स का है। हर स्किन टोन के टोन जो पर्सन है उसके लिए ये बहुत बढ़िया है, सूटेबल है, तो आप इसे यूज जरूर करके देख सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप जिनके पास जो नॉर्मल घर के प्लांट में लगी हुई एलोवेरा जेल है, घर पे लगा हुआ एलोवेरा जेल है, वो भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। जरूर ट्राई करें, अगर रेमेडीज पसंद आई हैं तो लाइक कीजिए और इस रेमेडी से अपने इस एलोवेरा से अपनी स्किन को काफी ज्यादा गोरा और निखरा हुआ बनाइए। सो गाइज कैसे लगी वीडियो, कैसे लगी DIY? आई होप DIY बहुत पसंद आए होंगे। एंड यार इस वीडियो पे बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत अच्छी खासी मेहनत लगी है, तो अगर आप अच्छी खासी मेहनत को नवाजें तो बहुत आपका शुक्रिया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बनता है यार, लाइक जरूर कर दिया कीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कर दिया कीजिए ताकि उनकी हेल्प भी हो सके, वो भी बेचारे आपको देख देख घूरा मत करें और आपसे जेलस फील ना करें, तो उनके साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक रेड कलर का बटन है, अगर आप उसको क्लिक कर देंगे तो आप वहां से निकल के इस तरफ आ जाओगे, मेरी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे और हमारे जो सब्सक्राइबर है वो 1 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। तो प्लीज प्लीज जो सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर क्लिक करें। और इसके अलावा अगर फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो यहाँ पे घंटी का साइन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो डेफिनेटली आपके डेस्कटॉप पे या फिर आपके मोबाइल फोन पे उसका नोटिफिकेशन जरूर आ जाए और आपसे मेरा कोई भी हेल्दी वीडियो मिस ना हो पाए। तो मिलूंगी दोस्तों अब नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।